हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे HP 800 फ्लिप्स ड्रायर का। सो इसके साथ साथ हमें मिलता है ये वाला बॉक्स जो कि मैंने लिया है ऑफलाइन। आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। और ये फ़िलिप्स ड्रायर है जिसको मैंने ऑफलाइन ही बाय किया है। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो। सो ये वाला जो हेयर ड्रायर है ये टू कलर्स में आता है। एक तो ये आता है पर्पल शेड में और एक आता है ब्लू शेड में। तो जो मेरे पास है वो है ब्लू शेड का और इस ये 1000 वॉट का है। और इसके साथ साथ आपको इसमें नैरो कंसंट्रेटर मिलता है जो हम अभी बॉक्सिंग करके इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी MRP जो है वो 815 है, जबकि ये आपको ऑनलाइन काफ़ी सारे डिस्काउंट पे मिल जाएगा। और जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। इस तरीके का मेरे को ये उसमें मिला है बॉक्स में। आप इसे ऑनलाइन जब बाय करेंगे तो हो सकता है कोई वाला बॉक्स ना मिले आपको, एक ब्राउन बॉक्स मिले। तो आप इसको देख सकते हो, इस टाइप से ही मुझे मिला है। इसके साथ साथ आपको मिलेगा ये हेयर ड्रायर जिस, और इसके साथ साथ आपको ये जो लीड मिलने वाली है ये 2 मीटर की अराउंड कुछ लीड है ये आपको मिलने वाली है। ये काफ़ी बड़ी लीड है और आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। अगर आपका कोई स्विच दूर भी है, काफ़ी मतलब थोड़ा आपको डिस्टेंस पे लगाने के लिए ये काफ़ी बेटर रहेगी। और क्योंकि आप यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये स्विच। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पीछे फ़ैन मिलने वाला है जिसमें आपकी जो आगे से जब हीट वे आपकी हीट एयर निकलती है तो पीछे से इसकी जो गर्मी होती है वो यहाँ से निकलती है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो इसको आपको कभी भी इस तरीके से कवर नहीं करना है, इसको हमेशा खुला रहने देना है। ये नहीं कि आप इसको पीछे से आप यहाँ पे ऐसे करके यूज़ कर रहे हैं और इस पे हाथ लगा रहे हैं, ये आपको कभी भी इस पे हाथ नहीं लगाना है। इसके साथ साथ हमें मिलता है ये वाला एक वारंटी कार्ड जो कि आपको मिलने वाला है इसके साथ। और इसमें आपके बारे इसमें वारंटी के बारे में और आपकी थोड़ी सी मैनुअल लिखी है इसके बारे में, वो आपको आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत इसमें बताया गया है गारंटी के बारे में, सर्विस के इसके बारे में और हाउ टू यूज़ जो है इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में, तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद हम अभी बात करते हैं कि इसके साथ साथ हमें मिलती है ये डिटैचेबल नॉब जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो। इसका यूज़ क्या होता है कि इससे जो आपकी ये वार्म एयर होती है, हॉट एयर जो होती है वो इससे थोड़ी सी सीध में इस तरीके से निकलती है। तो जैसे आप अपनी बाल अपने हेयर्स को जब स्ट्रेट कर रहे हो अगर हेयर ड्रायर की हेल्प से, तो वो एक हेल्प करता है आपको हेयर स्ट्रेटनिंग में कि आप इस तरीके से उसे ड्राई कर सकते हो। और इसमें जो इसकी जो हवा है जिसमें से जो एयर निकलने वाली है वो बहुत सीधी ही आपके बालों पे इस तरीके से लग के और निकलती है। सो ये इसके फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ आपको मिलती है यहाँ पे 2 मोड सेटिंग जो कि है एक मीडियम पे और एक है हमारी फास्ट पे। तो अगर आपको जस्ट एक हेयर ड्राई करने हैं या बहुत लाइटली आपको ड्रायर करने हैं तो आप इसको मीडियम पे सेट कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेटनिंग करनी है या फिर आपको बहुत जल्दी अपने बाल सुखाने हैं, आप थोड़ा जल्दी में हो और आपको बाल सुखाने हैं, तो आप इसे फास्ट पे कर सकते हो। और जब आप इसको सबसे नीचे कर देते हो तो ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये वाले जो हेयर ड्रायर है इसकी 100,000 रुपीज़ है। तो आप अगर एक बेस्ट बजटेड ड्रायर देख रहे हो और आपको कभी कभी ही ड्रायर यूज़ करना होता है, तो आप इस ड्रायर को अपने लिए कंसिडर कर सकते हो और इसको आप बाय कर सकते हो। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ जाके भी इसे बाय कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। आगे आने वाली और भी रिव्यू की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।